अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये इस्लाम चैनल उर्दू है, 851 नंबर, और ये जो प्रोग्राम है सेहत ज़िंदगी, तो आपकी खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर चौधरी हाज़िर खिदमत है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उससे हम आपको थोड़ा सा ज़रा इंट्रोड्यूस करा दें। आज का टॉपिक हमारा एक मखसूस या स्पेशल टॉपिक है और ये ऑर्थोपेडिक्स के बारे में है। और अगर किसी को कोई मसल की पट्ठों की बीमारी हो, जोड़ों की किसी ऑपरेशन के इश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं या विप्लैश इंजरी, तो इसके मुतालिक हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आज हमारे पास एक मेहमान मौजूद है, अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो वो कंसल्टेड ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो मैं नाज़रीन को ये साथ साथ याद कराता रहूँगा कि इस प्रोग्राम में मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आप जो ऑर्थोपेडिक के मुतालिक जो सवालात जो हैं अगर उन पे गौर व फिक्र करें और कोई हमसे सवाल पूछें तो वो जो एडवाइस होगी उससे आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। वैसे जो प्रोग्राम है मैं बार बार पहले भी याद करा चुका हूँ कि इसमें हमारा जो मेन जो मकसद जो होता है कि उसमें कि ये तालीम के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम है, लेकिन इसमें एडवाइस भी दे सकते हैं। और एडवाइस में ऐसी एडवाइस नहीं कि हमको आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये इंसान के ऊपर मुनहसर है कि वो एडवाइस को एक्सेप्ट करता है या नहीं एक्सेप्ट करता। और मेनली ये होता है कि ये साइन पोस्टिंग होती है। साइन पोस्टिंग से मुराद है हमको अगर कोई आपको मशवरा दें तो उसमें मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ शायद 90% या 100% यही होगा कि आप अपने GP के पास जाएँ या किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और अपना जो इशूज़ हैं तो हम आपको एक उस तरीके से गाइड कर देते हैं, लेकिन ये कोई प्रिस्क्राइबिंग क्लिनिक नहीं। तो इस मामले में ये जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑर्थोपेडिक की जो सर्जरी है और जो मामलात हैं इसमें काफ़ी एडवांसेस आ गए हैं, इसमें नई टेक्निक्स आ गई हैं, की होल सर्जरी आ गई है, वो लिगामेंट्स को जो कार्टिलेजेस को वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिसको एलोग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद डिस्क जो है वो इंसान की जो हड्डियों अगर स्पाइन में रीढ़ की हड्डी में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो वो आजकल नई डिस्क भी बीच में इंसर्ट कर देते हैं। तो इसमें की होल सर्जरी हो गई या आपके प्रोस्थेसिस हो गए जो मसनू चीज़ें लगा देते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी एडवांस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बाकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का अगर जिक्र आएगा तो उस पर भी करेंगे। आप बूढ़े लोगों में अगर कोई गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है उनकी ये हड्डी का, हाथ की रिस्क का, कोलिस फ्रैक्चर का या हिप फ्रैक्चर हो गई है, तो ये सारे मामला आप देखें। अगर फैमिली में या आपको किसी किस्म का कोई इशू या प्रॉब्लम है, और कार्पल टनल सिंड्रोम भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, तो प्लीज़ इस बारे में सवालात कीजिएगा। तो मैं आपका जो है अभी तारफ कराता हूँ अपने मेहमान के साथ। तो पहले मैं उनसे आपका तारफ़ कराता हूँ, फिर उनके बारे में मैं मुख्तसरन उनकी प्रोफाइल पेश करूँगा, तो फिर हम जो है वो सवाल जो आपकी तरफ आ जाएंगे। तो हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर तारिक महमूद ज़मान हैं, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाला, ये फैमिली का टाइम है, संडे को होता है, और आपने हमारे साथ जो है तशरीफ़ लाए, तो इसके लिए इस्लाम चैनल और मैं जो हूँ बहुत मशकूर हूँ आपका जी। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं इनका मुख्तसरन तारफ कराता हूँ और फिर हम कुछ जो है इनसे कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, बीमारियों के बारे में, जो हड्डियों की बीमारियाँ हैं, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट्स हो गए, मसल हो गए, स्पाइन हो गई, तो इसके बारे में हम लोग इनसे कुछ मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो डॉक्टर साहब जो हैं ये इनकी पैदाइश बर्मिंघम में हुई, वहीं पर पले बढ़े और मेडिकल स्कूल के लिए स्कॉटलैंड चले गए। ये हमें नहीं पता क्यों चले गए, लेकिन चले गए वहाँ पे। तो इन्होंने अपनी जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो है वो फिर स्कॉटलैंड की बजाय इन्होंने पास वहाँ से किया वेल्स में और ऑस्ट्रिया में, तो इनकी वहाँ पे हुई। आजकल ये कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पिछले 12 साल से ईलिंग हॉस्पिटल में है, और ईलिंग हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट जो है वो मर्ज हो गया, तो उसका नया नाम जो है लंदन नॉर्थ वेस्ट हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट बन गया है। डॉक्टर साहब जो है उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, वो दो हॉस्पिटल्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, बूपा क्रॉम्बल हॉस्पिटल और दूसरा जो है द क्लेमेंटाइन चर्चल हॉस्पिटल जो हैरो में है। और डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा हैं, एक उनका टीनेज जो बेटा है वो इस साल यूनिवर्सिटी जाएगा, और उनकी प्रोफाइल में ये है कि ये बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के शौकीन थे, अपने ज़माने में रग्बी खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, और क्रिकेट की टीम वो कहते थे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, अभी भी वही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि काम में बिज़ी हैं
और वैसे साथ जो लिमिटेशन होती हैं तो वो फिर ये है कि अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिट रखने के लिए जो वॉकिंग को तो वो है वो तरजीह देते हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया तो मुझे याद है कि वो डॉक्टर बाज़ दफ़ा आपस में बातें करते हैं तो एक साइकाइट्रिस्ट था और जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था आपस में उनकी चपकलिश हो गई तो साइकाइट्रिस्ट ने उसे कहा कि भाई आप किस किस्म के इंसान हो, कभी जोड़ों को तोड़ते हो, कभी उनको मरोड़ते हो, कभी उसको जो है वो जोड़ है तोड़ है मरोड़ है और फिर आप कितनी ज़्यादती जुल्म करते हो मरीजों के साथ के जब वो कर रहे होते हो तो फिर उनको बेहोश कर देते हो, वो जवाब नहीं दे सकते। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि साइकाइट्रिस्ट साहब आपकी तरह नहीं कि मरीज़ आपसे सारी ज़िंदगी नाराज़ रहते हैं, हम बेशक उनको जोड़ तोड़ते हैं मरोड़ते हैं और इसके बावजूद वो हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, पैसे भी दे के जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट साहब चुप कर गए। तो डॉक्टर साहब फिर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ वंस अगेन कि आप तशरीफ लाए और मैं नाज़रीन को ये दोबारा याद करा दूँ कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में है और जो ऑर्थोपेडिक जोड़ों के जो मसाइल हैं बैक एक के नेक एक के एंकल के कार्पल टनल सिंड्रोम के या आर्थराइटिस के या हिप रिप्लेसमेंट के नी रिप्लेसमेंट के, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि उसके मुतल्लक अगर आप सवालात करेंगे तो फिर उसका जो है वो इस प्रोग्राम का में से आप मुस्तफीज होंगे। तो डॉक्टर साहब पहला मैं सवाल ये करता हूँ कि ये जो एक आर्थराइटिस है जिसमें हम कहते हैं जोड़ों की सूजन हो जाती है, उसमें दर्द होती है, ये एक प्रोग्रेसिव और डीजनरेटिव यानी कि इसमें जो कार्टिलेज है जो कैप्सूल है वो बतदरीज स्लोली और ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें बाज़ दफ़ा इतनी डिसेबिलिटी हो जाती है कि इंसानों को अपने जोड़ों को रिप्लेस कराना पड़ जाता है। तो ये बताएं कि हमारे अपनी सोसाइटी में मैंने देखा है कि बाज़ लोग जो हैं उनको हिप रिप्लेसमेंट हो गई नी रिप्लेसमेंट की उसको एडवाइस मिली हुई है, 3-3 साल हो गए हैं वो स्टिक से चल रहे हैं, डिसेबिलिटी ज़ाहिर हो गई है लेकिन उनको वो उस चीज़ पे आमादा नहीं होते और उनकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है। तो ये बताएं कि ऐसे लोगों को क्या हम एडवाइस कर सकते हैं, तो क्या लाजिम है कि आप रिप्लेसमेंट कराएँ कि वैसे ही चलते रहें? शुक्रिया। पहले मैं ये कहूँगा कि आर्थराइटिस का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। जी, पस मंजर जो उसका जी, तो आर्थराइटिस का माना कि बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जी, जी। इसका मतलब वो जो सॉफ्ट सी हड्डी होती है, ठीक है, चिकन लेग खा रहे हैं तो उसके सॉफ्ट वाली ग्लिसनिंग कार्टिलेज होता है, ठीक है, मुरमुरी हड्डी कहते हैं, कुरकुरी हड्डी कहते हैं, कोई उसको मुरकनी हड्डी कहता है, वो फ्लेक्सिबल होती है जैसे कान की मरी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो वो जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, यानी कि इंजरी के थ्रू हुई है या नेचुरल प्रोसेसेस, बंदे की उम्र बढ़ी है तो उससे वो वेयर एंड टेयर हो रहा है जैसे कहते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो आर्थराइटिस है, ठीक है। आर्थराइटिस में पहले सोचा जाता था कि ये वेयर एंड टेयर जनरली होता है मगर अभी हमें पता चल रहा है कि ज़्यादातर इसमें 70% कुछ जेनेटिक कॉजेज भी हैं, ठीक है, वजूहत हैं। तो हमारे लोगों में खास करके जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से इन इलाकों से आए हैं, नी प्रॉब्लम्स आर मोर देन हिप्स, ठीक है, हिप्स जो वो मेन कोकेशन पॉपुलेशन यहाँ की है उनको ज़्यादा होती है, हमारे में नी प्रॉब्लम्स आर बिग प्रॉब्लम विद डिसेबिलिटी। तो दो देर आर टू टिश्यूज, दो टिश्यूज हैं बॉडी में, ठीक है जी, एक नर्व टिश्यू तो एक कार्टिलेज टिश्यू, ठीक है, वो बंदा जब देखता है इन चीज़ों को तो अल्लाह का शुक्र करता है कि अल्लाह ने कैसे ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, वी कैन नॉट रीजेनरेट दम, ठीक है। मेडिकल साइंस कितने सालों से अभी स्टडी कर रही है, ये दो टिश्यू जब डैमेज हो जाते हैं वी कैन नॉट इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक आप कह रहे हैं नर्व टिश्यू है, हाँ, तो और एक ही जो सॉफ्ट कार्टिलेज जो है जो जोड़ों के जिसमें प्रॉब्लम होती है सोजश हो जाती है वो डैमेज हो जाता है। तो कार्टिलेज ऐसे टिश्यू है कि वो बस लोड को बेयर भी करता है, जब बंदा बाहर उस पर रखता है चलते वक्त तो इट टेक्स द लोड, ठीक है, तो उसको हड्डी को प्रोटेक्ट करता है, स्मूथ मूवमेंट होती है, इसके कितने शॉक एब्जॉर्बर की तरह होता है, बिल्कुल शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी का जैसे शॉक एब्जॉर्बर ऐसे होता है, मगर उससे भी इसकी टेक्नोलॉजी जो है इस मोर फाइन ट्यून्ड, ठीक है, तो वो जो है द मेन प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट रीजनरेट इट। जब ऐसे बीमारी बढ़ जाती है ताकि बहुत ज़्यादा कार्टिलेज लूज हो जाता है तो फिर बंदा डिसेबिलिटी में आ जाता है,
यानी कि किसी मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, किसी भागने दौड़ने से उसको और रोक नहीं सकते। ये एक किस्म की बतदरीज जो है, इन सब वजह तनज़ुल ही होता है जैसे बॉडी में जो डिजनरेटिव जिसे कहते हैं प्रोसेस है। एक चीज है जो उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है, अगर नी या हिप की प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप अपना वजन कम कर देंगे, ठीक है, सो इफ यू लूज 50% ऑफ योर वेट, ठीक है, मोर देन 50% या कि आधे से ज्यादा जो आपका दर्द होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर ये है कि जब बंदे को दर्द होता है, ठीक है, तो वजन कम करने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी जो है खुद ही कम हो जाती है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होती है। दूसरा ये कि फिजियो जो पेन किलर्स खा रहे हैं लोग, वॉकिंग स्टिक्स, ये दीज आर एड्स टू रिड्यूस पेन, ये कि कम दर्द को कम करने के लिए, ठीक है। तो आपने बताया, नाज़रीन डॉक्टर ने बताया कि हमारे जो जोड़ जो हैं, जो हमने शुरू किया था आर्थराइटिस से, उन्होंने एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से और उन्होंने कहा कि हमारा जो नी जॉइंट है, जो हमारा जो घुटना है, उसके प्रॉब्लम एशियंस में ज़्यादा है बनिस्बत हिप के, जो इसको कूला हम कहते हैं, और नी जॉइंट के प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ज़्यादा होते हैं कि सारा जो वज़न जो बॉडी का है वो मैक्सिमम वज़न वो हमारे नी जॉइंट पे ही पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर तो नी में पड़ता है। जी, तो ये बताएं, जो लोग जिनको हिप रिप्लेसमेंट है या नी रिप्लेसमेंट है, आपने कहा कि वो एक दफ़ा डैमेज हो गया, वो उसका तो कोई रीजनरेशन नहीं होगी, उसका कोई ट्रीटमेंट कोई नहीं है, वज़न कम करने से कुछ आपको टाइम बाय कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उसका फिर ऑपरेशन क्या कराना ही बेहतर है? उसका कराना या ना कराना, उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे दर्द कितना हो रहा है, ठीक है, मैं कितने पेन किलर खा रहा हूँ या खा रहे हैं, मुझे वॉकिंग एड्स, मेरे काम में कितनी रुकावट आ रही है, ठीक है, मुझे बाहर जाने से रुकावट हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज, हाँ, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर मेरी सेहत इजाजत देती है, बाकी सेहत जो है, हार्ट प्रॉब्लम्स, बाकी जो चीज़ें वो ऑब्वियसली वो देखते हैं एनेस्थेटिक्स में, तो फिर वो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करानी चाहिए। मगर जॉइंट रिप्लेसमेंट का, जैसे मैं सब मरीजों को कहता हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट वो अपने इंजन के साथ नहीं आती, सब जो काम होगा वो आपके मसल्स, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनसे होगा, तो वो आपको फिर बाद में बहुत जद्दोजहद फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है। हमारे लोग कई होते हैं, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के कहते हैं, देखो मेरी अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, तो फिजियो बाद में जो ट्रीटमेंट, वो ऑपरेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो ये आजकल आपकी अपनी तजर्बे की बिना पर और जो लेटेस्ट रिसर्च की बिना पर, क्या इसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है और वो ज़िंदगी के साथ अपना गुजारा कर सकते हैं, या उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो बैठ नहीं सकते, जैसे हमारे लोगों के लिए जी सजदा नहीं कर सकेंगे, ज़मीन पर नहीं बैठ सकेंगे, वो कुर्सी पर बैठे होते हैं जी, तो ये लिमिटेशंस लाजमन है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि ऐसे जॉइंट आए जो कि इन चीज़ों की लिमिटेशन ना हो जी? वो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये कि मैं कहूँगा कि जब हम मेजर करते हैं इनको, वो जो आउटकम यानी कि क्या अफेक्ट हुआ है, ठीक है, एक होता है कि जो क्लिनिशियन है, जो काम करने वाला है, वो मेजर करता है। अभी नेक्स्ट डे जो है, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, वो पेशेंट आउटकम, वो पेशेंट अपने लिहाज से क्या सोचते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो हम जो देखते हैं, हम देखते हैं कि दर्द कम हो गया, ठीक है, तो दर्द में तो मोर देन 80-90% सक्सेसफुल होता है, ठीक है। मूवमेंट में फ़ायदा हुआ है, वो भी 80-90%, ठीक है। मगर बाकी जो चीज़ें आपने स्पेशली जो हमारे लोगों को, मुसलमानों को होती हैं कि नमाज पढ़ना ये वो, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत मुश्किल होगा। इसके कई वजूहत हैं, ठीक है। नमाज ऐसे सुजूद में जाना वो मुश्किल आपके लिए होगा, फिर भी आपको बैठ कर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, वो आगे वाला जो हिस्सा होता है, स्पेशली द नी कैप, उस पर बहुत प्रेशर डाली जाती है, ठीक है, तो पीछे वो लोअर होता है, ठीक है, उस पर फिर वो दर्द होता है, इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि जो कुदरती चीज़ें हैं उसका कोई मैच नहीं है, वो तो नहीं, आप उसको एग्जैक्टली नहीं रिप्लेस कर सकते। तो मुमकिन है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई ऐसे प्रोसेसिस आ जाएं या आर्टिफिशियल जॉइंट्स आ जाएं जिसमें ये मसाइल ना हो? हाँ, वो कोशिश हो रही है। तो एक कोरिया में, बहुत साउथ कोरिया में इसमें बहुत काम हुआ है, क्योंकि वो लोग भी जो हैं वो घुटनों पर बैठते हैं, ठीक है, सो जापान, कोरिया, इन इलाकों में वो भी नीचे बैठते हैं जब उनके कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत दफा देखे हैं उनके, हाँ, जो टीवी पे मूवीज़ तो उस पर उन्होंने काम किया है। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो एक्सेस काफ़ी इंटेंसिव फिजियोथेरेपी करते हैं बाद में, ठीक है,
तो उसके साथ वो फिर जॉइंट को मैनिपुलेट करने के लिए, मगर ये है कि जो स्टिफनेस हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज में, हमारे लोग जो है काफ़ी देर तक वो जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले कर देते हैं, तब तक क्या होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप जॉइंट को रिप्लेस भी करेंगे तो वो जो क्या कहते हैं उसमें जो मोबिलिटी होती है सॉफ्ट टिश्यूज में वो नहीं रहती, तो उसमें इसलिए वो प्रॉब्लम होती है बाद में। सो नाजरीन, ये बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है डॉक्टर साहब ने कि अगर आपका नी का, घुटने का या कूल्हे का जोड़ अगर डैमेज हो चुका है, उसमें आर्थराइटिस है, तो ये बड़ा अहम नुक्ता है कि अगर आप उसको डिले करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम मुमकिन है कि सर्जरी उतनी कामयाब ना हो। तो अर्ली स्टेजेस में ये है कि आपके मसल भी इंटैक्ट होंगे, बाकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो उसके आसपास जो है, वो लिगामेंट, जो कार्टिलेजेस हैं, वो भी अच्छी हालत में होंगे। तो फिर इसलिए ये जो मसनूई जो बीच में डालते हैं, प्रोस्थेसिस हम कहते हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और मैंने भी ऐसा ही देखा है अपनी कम्युनिटी में कि लोगों को रिकमेंड किया उन्होंने कि जी कि ये अपना करा लें, तो वो उन्होंने कई साल डिले किया तो उसमें जो है वो इतना कामयाब नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर हैं, ठीक, तो उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या हमसे पूछना चाहते हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके बहुत ही अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जैसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब आप बुला लेते हैं, मशवरे देते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि मैं ये खुद मरीज हूँ तकरीबन 13 साल से। जी की है? जी बोले। हाँ जी, मरीज पाँव की ना नीचे से तली से ये दर्द शुरू हुआ, मैं टैक्सी करता था तो ये पैर सूज गया, सूजने के बाद मैं हॉस्पिटल चला गया, हॉस्पिटल के बाद उन्हें ट्रीटमेंट की, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, फिर आस्मा हो गया, उसके बाद किडनी डैमेज होनी शुरू हो गई, इसके बाद चलते 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 अभी मेरी बैग जो है ना वो उन्होंने बेल्ट दिया हुआ है वो पहना हुआ है, और ये नी जो है दोनों बेंड हो गई है, बैक स्पेन जो है वो बेंड हो गई है। अभी ऑपरेशन 3 साल से उन्होंने रोका हुआ है, ये पिछले महीने में गया तो उन्होंने ऑपरेशन का जवाब भी दे दिया, वो बोलता है कि तुम स्टेरॉइड पर हो, स्टेरॉइड इंजेक्शन लगते हैं, मेथ्रोटेक्स पर हो, तो इसलिए ब्लड प्रेशर हाई है, अभी हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये मैं पूछना चाहता था ये है इसका क्या सिस्टम है, कितनी देर तक ये रहेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि ऑपरेशन का तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि अभी हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया, आप लाइन पर रहिए, हम आपके ये सवाल का जो है डॉक्टर साहब जो है जवाब देंगे। हमारे पास एक और कॉलर भी हैं, उनकी कॉल लेके तो इनका और उनका जवाब इकट्ठा दे देंगे। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपका आज का मौजू बहुत अच्छा है, तो आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। मेरी 40 साल उम्र है। जी जी। तो मेरे घुटनों में वैसे दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो इसमें आवाज आती है, तो फिर बहुत ज्यादा 1-3 दफा चढ़ूंगी तो फिर बहुत ज्यादा थकावट और थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन ज्यादा जो है आवाज बहुत ज्यादा आती है घुटनों में से। तो उसमें कोई दर्द वगैरह तो नहीं होती आपको, सिर्फ आवाज आती है? सिर्फ आवाज आती है। अच्छा, तो आप उसके लिए परेशान है और पूछना चाहती हैं कि क्या हो सकता है, मुमकिन है ये नॉर्मली हो, डॉक्टर साहब से पूछते हैं अभी। और इसके अलावा बताइए कोई और कोई? और एक मेरा विप्लश इंजरी हुई है मसल्स के पीछे। जी जी हाँ जी। तो उसका अब मैं वेट कर रही हूँ MRI का, तो आप उस पर गाइड कीजिएगा कि इसमें कहाँ किस हद तक हम लोग इसमें डायग्नोज कर सकेंगे कि क्या हुआ, मेरे एक्सीडेंट को 6 मंथ्स हो चुके हैं। जी ठीक है जी, ठीक है, आप सुनती रहिएगा। हम लोग जो हैं पहले जो कॉलर थे पहले उनका जवाब देते हैं, फिर आपका जो है वही प्लस के बारे में, नीज के बारे में बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सिस्टर। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो पहले टैक्सी चलाने वाले हमारे जो भाई थे, उन्होंने कहा कि वो पहले पाँव में तकलीफ हुई, उसके बाद जो उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बाद उनको एस्मा या बाकी और मेडिकल भी इश्यूज हैं, तो उनको ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो ये क्या नौबत आई, बता किस किस किस्म का ये भाई? वो जो मुझे बहुत सिग्निफिकेंट जो उन्होंने कहा ना, मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट एक इज अ वेरी पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, वो उस वक्त दिया जाता है, वो आर्थराइटिस की जो हाई स्टेजेस होती हैं, नॉर्मल दवाइयां जो काम जब नहीं करती तो फिर उसमें ये है कि ये हो सकता है इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक इंफ्लेमेटरी किस्म का आर्थराइटिस होता है। ठीक है जी। यानी कि कार्टिलेज डैमेज हो रहा है मगर किसी और वजह से, फ्रॉम इंफ्लेमेशन कॉज। ठीक है। तो उसमें वो फिर पता महसूस हो रहा है कि इनको बस सिर्फ घुटनों में नहीं, बैक में भी है,
पाँव में भी है जी जी। तो ये जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं एस्मा के लिए जी जी। तो उसके साथ वो काफ़ी इनको वो जनरल मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन रोका हुआ है। ठीक है। स्टेरॉइड के साथ ये होता है फ़ायदा भी होता है मगर उसमें ये है कि हड्डी जो बहुत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। एंड इस ये शायद इसी वजह के लिए वो अभी कर नहीं रहे ऑपरेशन कि मेडिकल कंडीशंस पहले इम्प्रूव हो जाएं। हाँ, तो फिर जो है वो परमिट नहीं कर रही है। मुझे ये समझ आई कि रिफ्यूजल नहीं है कि रिफ्यूजल नहीं मगर अभी उनकी मेडिकल स्टेट ऐसी है कि वो इजाज़त नहीं दे रही ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी वो वक्फा भी आने वाला है, एक और कॉलर भी है। तो पहले ये है कि वो जो सिस्टर ने भी कॉल की कि वो जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो उनका नी में से वो क्लिकिंग आवाज़ आती है, दूसरा उनकी विप्लैश उनकी हुई है, इसके बारे में बताएं कि क्या। हाँ, आवाज़ आना ये तो दिस इज़ नॉर्मल। इसमें हाँ, अगर ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ख़ास करके नी से, ये हो सकता है जो नी कैप आगे वाला हिस्सा, इट मे बी, इसको हम कहते हैं कि मे बी मेल ट्रैकिंग यानी कि वो जो उसकी जो अलाइनमेंट जो थोड़ी खराब हो गई, तो वो होता है इम्बैलेंस मसल्स में। ठीक है। तो वो अगर अच्छा फिजियो हो उसके साथ मशवरा करें तो दे कैन एडवाइज यू फॉर सम एक्सरसाइजेज। ठीक है। तो जो जनरल फटीग होती है वो बात कर रही थी, दिस इज़ समथिंग नीड्स टू बी लुक्ड इन। वो बाद में भी बात करें विटामिन डी एंड अदर इश्यूज, जनरल फिटनेस। ठीक है। तो विप्लैश को उन्होंने कहा था एमआरआई कराना है, तो उसमें से क्या वो बता। हाँ, एमआरआई एक्चुअली किया गया, देयर वाज अ बहुत बड़ी स्टडी थी, उसमें उन्होंने 200,000 से ज़्यादा एमआरआई देखे थे आफ्टर विप्लैश इंजरी। उसमें एक बंदे का भी एबनॉर्मल एमआरआई नहीं आया था। कुछ वो ऐसे नजर नहीं आते एबनॉर्मैलिटी। तो वो जो है वो अपना अगर विप्लैश हुआ है स्कैन में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी, अनलाइकली है, वेरी अनलाइकली। तो सिर्फ ये है कि जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी का कोर्स अगर एडवाइस किया तो वो फॉलो करें, पेन किलर्स लें। हाँ, पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी और कीप द नेक मोबाइल, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज को जितना मोबाइल रखेंगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। ठीक है। एक और कॉलर है, वो उनके हम कॉल ले लेते हैं, अगर जवाब ना दे सके क्योंकि वक्फा आने वाला है तो फिर हम वक्फे के बाद दे देंगे। यस प्लीज, नेक्स्ट कॉलर। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा हिप रिप्लेसमेंट हुआ था 10 वीक्स अगो। ठीक है जी। और उसके बाद स्टिचेस भी ठीक हो गए हैं और स्वेलिंग जो है लेग के अंदर वो भी बिल्कुल तकरीबन 80% ठीक हो गई है। ठीक है जी। लेकिन जिस वक्त मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा लेटा रहता हूँ ना, उसके बाद लेग बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, वेरी स्टिफ। जो शुरू में ये कंडीशन नहीं थी, पेन थी सिर्फ, अब पेन काफी हद तक ठीक है। और दूसरी ये कि इलेक्ट्रिक की तरह वेव्स आती है, इलेक्ट्रिक जैसे पेन जो है ना, इलेक्ट्रिक। जी समझ गए। हाँ जी। शुरुआत कहाँ से होते हैं, हिप से होते हैं, नी से होते हैं, बैक से होते हैं, कहाँ पे स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक जो वेव जो आपकी जो होती है? लेकिन इतना रेगुलर नहीं है, कभी 2 घंटे के बाद, कभी 3 घंटे के बाद। अच्छा अच्छा। तो ये क्योंकि लेग हील हो रही है, इसका कोई सिम्टम्स हैं कि इसमें पेन के वेव्स आता है और उसके बाद ठीक हो जाता है? जी नहीं, वो है कि स्टिफनेस होती है सॉफ्ट टिश्यूज में, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई है आपकी, अभी तो 10 हफ्ते हुए हैं, तो इट विल टेक अ बिट लॉन्गर। जैसे ज़्यादा मोबिलाइज करेंगे, ज़्यादा मोबिलिटी आएगी सॉफ्ट टिश्यूज में, तो वो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना सेटल हो जाती हैं। ठीक है। तो आप जो है कि लाइन पे रहिएगा, क्योंकि इस सिलसिले में हमें और भी सवाल आएंगे, तो मुमकिन है आपके बाकी जो सवालों का जवाब मिल जाए। हमारा जो वक्फा है उसमें 10 सेकंड रह गए हैं, तो वक्फे के बाद नाजरीन हम आप अपने ऑर्थोपेडिक के बारे जो मसाइल हैं प्लीज़ हमें सवाल कीजिएगा। डॉक्टर तारिक महमूद हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो फिर वक्फे बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में, और ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम मीन कि जो मसल के पट्ठों के प्रॉब्लम है, जोड़ों के प्रॉब्लम है, जॉइंट्स के, या आपके कोई हिप रिप्लेसमेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, बैक एक है, नेक एक है, कोई इंजरीज है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में।
तो ये हमारा आज टॉपिक है, तो मैं नाज़रीन को याद कराऊंगा कि प्लीज़ अगर इस मामले में अगर आपके कोई कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट चल रही है, तो आप उसके मशवरे से मुस्तफीज़ होना चाहते हैं, तो हमारे पास डॉक्टर तारिक ज़मान है, कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन है और ईलिंग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो हमारे साथ आज तशरीफ़ लाए हुए हैं। लेकिन है कि बिफोर के हम लोग आगे चलें, हमारे पास एक कॉलर थे जो वक्फे से पहले थे, वो ऑनलाइन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप मौजूद हैं? आपका जो सवाल था उसका पूरी तरह अभी उसका जवाब नहीं हुआ जी, तो डॉक्टर साहब आपसे बात कर लेते हैं कि आपकी वो हिप रिप्लेसमेंट का था और टांग आपकी काफ़ी स्वेल हुई हुई, ऐसी बात ही थी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, इसमें ये कि फिजियोथेरेपी आपकी जारी है अभी? ये जो फिजियोथेरेपी होती है ना रिहैबिलिटेशन बाद में, ये आपकी जारी है अभी? जी बिल्कुल जी, वो हो रही है, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, राइट साइड की जो लेग है ना उसकी, उस साइड पे हिप रिप्लेसमेंट हुई थी जी। जी, और 10 वीक हो गए हैं, और अब ये है कि पेन किलर्स में आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ, मोर्फिन पैचेस लेता हूँ। ठीक, तो मुंह से मैं ज्यादा पेन किलर्स नहीं लेता, बिकॉज लॉट ऑफ पेन किलर्स विल डैमेज द स्टोमक लाइनिंग। जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसको रिड्यूस करता जा रहा हूँ, पैरासीटामोल ले रहा हूँ, दिन में 4 दफा लेता था पहले, अब 2 दफा लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया जा रहा है जी। अब 10 वीक्स गुजरने के बाद ये इलेक्ट्रिक पेन जो आती है ना, ये वेव की तरह, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ये जहाँ पे जॉइंट है ना जी, नी जॉइंट, उसके पास से जैसे इलेक्ट्रिक नहीं लगती, ठीक, इस तरह से आती है वो, और वो थोड़ी देर के बाद बस 1 दफा जी, 2 दफा जी, वहाँ से वो ठीक हो जाती है उसके बाद। अच्छा, मेन प्रॉब्लम मेरी ये है कि लेग के अंदर स्टिफनेस हो जाती है बहुत ज्यादा जी, और जिस वक्त मैं बेड से नीचे उतरता हूँ तो ऐसे फील होता है कि जैसे बड़ा मुश्किल है नीचे उतरना, तो चलने के बाद मैं कुछ कोशिश ये करता हूँ कि स्टेप्स, ये जो क्रचेस है ना मेरे पास, ठीक, उसको पकड़ के, या विंडो का जो सील है उसको पकड़ के उसमें मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेग्स को ऊपर नीचे बिल्कुल, इवन 100 टाइम्स, उससे ये स्टिफनेस थोड़ी सी कम जाती है जी, लेकिन 1 hour 2 hours इट कम्स बैक जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लगता है पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज सारे हैं ये? पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस है, सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो टाइट होते हैं, क्योंकि जाहिर है पहले आर्थराइटिस था, इसकी वजह से उनको हिप रिप्लेसमेंट हुई, आई एम अस्यूमिंग, तो इसकी वजह से वो सॉफ्ट टिश्यूज बहुत टाइट हो जाते हैं, इसमें नर्व्स भी आ जाती हैं, मसल्स, लिगामेंट्स, सब चीज़ें जो है ना इसमें वो इकट्ठी होती हैं। ठीक है, तो जैसे वो कह रहे हैं कि मैं मूवमेंट करता हूँ तो उसके बाद वो फ्री अप हो जाता है, इंशाल्लाह आगे जाते भी इसका ऐसे करते रहेंगे जी। अभी 10 वीक्स हुए, हाँ, 10 वीक्स इज शॉर्ट, 10 वीक्स इज शॉर्ट, अभी तकरीबन 3 से लेकर 6 महीने तक लग सकता है। ठीक है, स्पेशली द मेजर जॉइंट लाइक द हिप। ठीक है, तो इसमें एक और मैं कहूँगा कि दिस इज जनरली वेरी गुड, अगर पानी में ही इज अ स्विमर, if he can get himself swimming pool पे चले जाएं, ठीक है, quiet time जब schools नहीं होते, दूसरे लोग नहीं होते, तो walking in the water will help him as well, क्योंकि उसमें वो hydrotherapy हो जाती है, कुछ NHS hospital उसमें hydrotherapy भी होती है, तो वो भी बहुत अच्छी होती है इन conditions में। तो लेकिन है कि main message अब ये दे रहे हैं कि तो मैं hydrotherapy करवा के आया हूँ जी for 1 week, ठीक, और दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की है कि दे शुड सेंड मी फॉर 2-3 वीक, हाँ जी, थेरेपी वंस और ट्वाइस अ वीक एवरी वीक जी, उस पे भी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इज इट, ये जो वेव आती है इलेक्ट्रिक वेव, ये भी नॉर्मल फिनोमिना है, और जो दूसरी स्टिफनेस है लेग के अंदर जी, इज इट समथिंग टू वरी अबाउट, इज इट समथिंग सीरियस, क्लॉटी पैरा की वजह से तो नहीं हो रही? नहीं, इंशाल्लाह एट दिस स्टेज इज नॉट एनीथिंग टू वरी अबाउट, कभी कभार ये हो सकता है कि वो क्या होता है कि को एग्जिस्टिंग बैक पेन होता है, ठीक है, मगर हिप पेन की ज्यादा होने की वजह से द बॉडी सप्रेसेस द बैक पेन, ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट होती है तो बैक पेन जो है फिर वो आगे आ जाता है, ठीक है, सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड, अगर ये ना सेटल हुआ फिर वो आपके स्पेशलिस्ट जो है वो ही कैन लुक इनटू द बैक एज वेल, ठीक है, टू मेक श्योर देयर इज नो ट्रैप नर्व, वो भी हो सकता है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आप लाइन पे रहिए कि मुमकिन बाकी सवालों के जवाब भी आपको मिल जाए। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन है, बल्कि 2-3 कॉलर्स हैं, तो उनकी कॉल्स लेके इनके सवाल को नोट कर लेंगे, तो फिर इकट्ठा जवाब देंगे। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अस्सलाम सर, वो मैं ये अगेन कॉल कर रहा हूँ, अभी मेरी मिसिज ने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, वो नीज के बारे में और विप्लैश के बारे में जी, जी तो उसमें प्लीज आप, वो डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया था कि वो MRI में इट्स वेरी अनलाइकली कि प्रॉब्लम पिन पॉइंट हो, वो
पहले मेरी मिसिस कहती थी कि उनको ना वो ड्रिलिंग टाइप पेन फील होती थी, अभी वो वेव्स बैक में फील होती हैं। तो अगर एमआरआई में भी ये पिन पॉइंट नहीं होगी तो हमें डॉक्टर्स का जो रिस्पांस है इतना पॉजिटिव नहीं अभी तक लग रहा। कई दफा हम गए लेकिन वो पेन किलर्स ही दे रहे हैं। तो टू मूव फॉरवर्ड डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? जी ठीक है, आपका सवाल हमें समझ आ गया है। आप प्लीज लाइन पर रहिएगा कि हम इसका जो जवाब है उसमें देंगे। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आपके पीछे लगता है टीवी का वॉल्यूम जरा ऊंचा है। हेलो, तो एक गूंज आ रही है। टीवी का वॉल्यूम अगर नीचे कर देंगी तो फिर आपकी आवाज बड़ी क्लियर आएगी। ठीक है, मैंने कर दिया। वो मेरा सवाल ये है आपसे। जी प्लीज बोलिए। कि असल में ना मैं आज से 15-16 साल पहले मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी डायग्नोज हुई थी। जी जी। इसकी वजह से मैं मेडिकेशन पे हूँ, लेकिन अब कुछ तकरीबन 7-8 साल से मुझे जॉइंट पेन बहुत ज्यादा पूरी बॉडी में पेन है, बैक में भी, नीज में। तो मैं ऊपर स्टेयर जाती हूँ तो मैं एक नीज के ऊपर प्रेशर डालती हूँ। और उन्होंने फिर कुछ अर्सा पहले फाइब्रोमायल्जिया भी मुझे डायग्नोज किया था। फाइब्रोमायल्जिया, ठीक है। जी जी, और साथ ही अर्थराइटिस भी। लेकिन अब मेरा मसला बहुत बैक में और नीज में बहुत है। लेकिन नीज का प्रेशर उन्होंने एक्सरे किया तो कहते नीज में कुछ नहीं है, लेकिन मैं पेन बहुत है। मैं तो नीचे बैठ के सजदा के मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती जमीन पे, आम हालत में भी। मेरे मसल और टिश्यू पे इतना दर्द होता है कि मैं कुर्सी पे बैठ के सारा जो है ना, और ज्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकती। ठीक है जी, समझ आ गया आपकी बात की। कि आप कह रही हैं कि आपके नीज में उन्होंने टेस्ट किए हैं, कोई ऐसी कोई पैथोलॉजी डिजीज नहीं है, आपको फाइब्रोमायल्जिया उन्होंने डायग्नोज किया है और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो क्या अंडर कंट्रोल है? वो बहरहाल क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ, ज़ेफ्रिन लेती हूँ और पेंटाजा लेती हूँ पिछले 15 साल से। ठीक है, उससे सम टाइम बहुत फ्लेयर अप हो जाता है, फिर मुझे स्टेरॉइड पे डाल देते हैं। जी ठीक है सिस्टर, आप लाइन पे ही रहिएगा। तो डॉक्टर साहब ये दो सवाल हैं और भी कॉलर्स लाइन पे हैं, तो मुख्तसर में बताएं कि जो पहले विप्लैश के लिए सिस्टर ने रिंग किया था, फिर उनके हस्बैंड ने रिंग किया, तो कह रहे हैं कि एमआरआई में तो कोई चीज नजर नहीं आएगी, तो कैसे उसको प्रोसीड करना है? सिम्टम भी वहां पे है, तो क्या एडवाइस एमआरआई वो करें इसलिए कि कुछ और बात ना हो, to make sure there's no disc या ऐसे कुछ? क्योंकि इसकी विप्लैश की मैं कहूंगा एंड द ट्रीटमेंट इज फिजियोथेरेपी, मोबिलाइजेशन, यानी कि इन चीज़ों ये जो है ना इसका हल यही होता है। ठीक है, तो विद टाइम वो सेटल हो जाता है। तो इसमें फिजिकल को डैमेज परमानेंट जो होता है, लाइव मुस्तकलन, ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिस्क का डैमेज हो गया है या कोर हो गया नहीं, वो मैं कहूँगा कि 99.9% ऑफ द टाइम उसमें ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं वो जो है वो हमारी सिस्टर उनके हस्बैंड, तो उसमें डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जो जो एमआरआई स्कैन का ये जरूरी नहीं होता कोई डायग्नोज करने के लिए होता है। मेडिसिन में हमारा प्रिंसिपल है कि हम उसमें काफ़ी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, और तो इसलिए एमआरआई स्कैन है और इसमें फिजियोथेरेपी जो है मेन। तो डॉक्टर साहब दूसरा जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा इशू है कॉम्प्लेक्स के अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, वैसे भी आर्थराइटिस एसोसिएटेड है। तो सिस्टर कह रही है कि वो तो अंडर कंट्रोल है, वो जो टिपिकल मेडिकेशन ले रही हैं। जी जी। अब उनके जो नी जॉइंट्स भी जो ठीक हैं, तो ये फाइब्रोमायल्जिया उन्होंने डायग्नोस किया है, तो इसके बारे में बताएं ये क्या चीज़ है ये? पहले मैं कहूँगा कि इसका फाइब्रोमायल्जिया ये डायग्नोसिस किसने किया? वाज इट डन बाय द जीपी? ठीक है। या कुछ स्पेशलिस्ट देखकर तो उन्होंने कहा कि ये फाइब्रोमायल्जिया? तो दूसरी बात, ये जो मेडिकेशन ले रही हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, वो जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जाता है जॉइंट का, वो उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। सल्फासिलाज़ीन, तो ये जो दवाई वो बता रहे थे, तो मैं कहूँगा इनका जो है ना इनको देखना चाहिए, शी नीड्स टू गो एंड सी अ रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजिस्ट वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो हड्डियों जोड़ों के जो स्पेशलिस्ट जो माहिर होते हैं, वो सर्जन्स नहीं होते, मतलब वो इन चीज़ों का ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनके कुछ कई मसले हो सकते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लेमेशन की वजह से विटामिन कमी हो सकती है, खास करके विटामिन डी। तो बाकी जॉइंट के वो जो ब्लड टेस्ट होते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी ना हो। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा कि इनको रूमेटोलॉजिस्ट जरूर देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है नाजरीन, अगर वो फैमिली देख रही है तो वो के जो रूमेटोलॉजिस्ट जो फिजिशियन होते हैं वो इस चीज़ को बड़े गौर से देखेंगे और कुछ आपकी मज़ीद ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, तो फिर आपको उसका मशवरा देंगे।
तो हमारे पास और कॉलर्स भी हैं ऑनलाइन, तो हम उनसे बात करते हैं और मुमकिन है कुछ सवालात के अगर जवाब नहीं मिले तो वो इन सवालों के वजह से जवाब मिलने के इम्कान हैं। नेक्स्ट कॉलर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, प्लीज़ बोलिए। ये मैं ना ये 25 साल का प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं प्रेग्नेंट ही तो मैंने कोई वजन उठाया था, उस वक्त मुझे ये चीजें नीचे से ना लूज महसूस हुई, फिर मैं पाकिस्तान जाके ऑपरेशन कराया तो उन्होंने कहा कि वो जो बैक वाला मसल है और पेशाब वाला वो दोनों टट्टी लग गए हैं। ये ऑपरेशन किस चीज का कराया था आपने, ये जरा वजाहत कर देंगे आप? वो ना जब मैंने वजन उठाया ना तो मेरा बेबी था ना वो भी चला गया, तो मेरी जो जो ये नहीं कमर नीचे वाले बैक ये ना लूज महसूस होती थी। अच्छा ठीक है। बिल्कुल मैं चल नहीं सकती थी, ऐसे थी कि मैं खड़ी हूँ ना तो जैसे कुछ नीचे से चीजें दिलक रही हैं। ठीक है ये सब तो ना मैं डॉक्टर को भी ना समझ आई तो मैं पाकिस्तान गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका मसाना और पोटी वाले जो पीछे से मसल है ये लूज हो गए हैं। ठीक है। तो वो वैसे भी ना एक तरह वाला मसल ना मैं जब सोती थी तो वो मुझे ऐसे आकड़ा लग जैसे मैं सो नहीं सकती थी कि वो आकड़ा हुआ है। ठीक है। फिर मैं पाकिस्तान उसने ऑपरेशन किया, उसने मुझे बताया नहीं कि चलो मैं बैठ के ना इधर आ गई। तो अभी आपके जो मसाइल अभी क्या है मौजूद जो इस वक्त जो सेना मैं जब हवा या ठंड होती है ना तो मुझे ना ऐसे जैसे हिरवन का मरीज नहीं कांपने लगा। जी हाँ जी। ऐसे मैं कांपती हूँ, मेरा पसीने तरे लिए, ना मैं बैठ सकती हूँ ना मैं उठ सकती हूँ। फिर ऐसे हुआ कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं नीचे कपड़े रख के चीजें वगैरह रख के बाहर जाती हूँ तो फिर थोड़ी सी रिलैक्स महसूस होती है, लेकिन जब सर्दियाँ आती है ना या कोई इसमें हर वक्त हवा रहती है जो पीछे वाला मसल है। ठीक है जी। और जब मेरी बैक वाले मैंने इधर डेनमार्क में थी तो उस डॉक्टर ने बताया कि तुम एक्सरसाइज किया करो, मैंने एक्सरसाइज की टेबल पे ऐसे लमक के तो मेरा एक ही मसल खींचता गया जिधर से मेरा पहले लूज था। जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब कोई आप इनसे को सवाल करना चाहेंगे कोई इसके बारे में? तो एक साइड पे आपको दर्द या दोनों साइड पे बैक में? जी हेलो, आप लाइन पे हैं? लाइन पे जी। वो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपकी जो दर्द है वो एक साइड पे है या दोनों साइडों पे है? नहीं एक साइड पे ही है, वो जैसे ना हवा हो जाती है या जो नीचे वाला ये इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रहा ये चुपला जिसको कहते हैं एक मसल ये मेरा ना सूज जाता है, इसे मैं गर्म करूं या इधर वाले एक तरफ वाले मसल कोई तकलीफ होती है और नींद मेरी नहीं आती जब ये तकलीफ होती है और हवा हो जाती है। तो एक्सरे या कुछ स्कैन हुआ आपका? नहीं कुछ समझ नहीं कराया। एक्सरे नहीं कराया? नहीं। अच्छा। और पैर ठंडे हो जाते हैं, हवा हो जाती है और जो वाले मसल है ना वो जब मैं टकोर करूँ तो ऐसे लगता है ये सूजे हुए हैं। हाँ, तो जीपी साहब वीपी के पास जाके तो इनको जो इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। तो अगर एक्सरे कराएं ब्लड टेस्ट तो फिर उसके बाद जो है ना स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं। ठीक तो है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाँ देखिए तो सिस्टर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चूंकि मामला काफ़ी अरसे का है तो कुछ चीज़ अगर क्रॉनिक हो जाए तो उसमें उसकी जो है ना तफसीलत जानने के लिए उसकी वजह जानने के लिए आपको यकीनन जीपी के पास जाना पड़ेगा ताकि वो मज़ीद उसकी तहकीकात करें। बगैर तहकीक करने के और उसकी वजह मालूम करने के अगर नहीं होगी तो इलाज करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर उनके पास जाएं ताकि वो आपके कम से कम एक्सरे और स्कैन तो करें ना। लेकिन ये बताइए इसमें हवा क्यों हो जाती है? जी उसके लिए ये है कि जीपी आपको देखेगा तो वो डिफरेंट किस्म का डॉक्टर जो है, आपके जो अंतड़ियों का मामला हो सकता है, आपके स्टमक का मामला हो सकता है, आपके हाजमे के सिस्टम का मामला हो सकता है, आप जो खाना जिस तरह का खाती हैं मुमकिन है उसमें फैट ज़्यादा हो, मुमकिन है गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो। तो वह वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन सारे मामलों को समझने के लिए कोई ना कोई इंसान की वजह होगी जिस्म में, तो उसकी तहकीक करने के लिए आपको अपने जीपी के पास जाना चाहिए और उसको सारी लिस्ट देनी चाहिए कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक जो है कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस कराए तो फिर जो है इसके इसकी तह तक पहुँचे। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पिछले 3 हफ्ते से ये
पैर में घुटने के में बहुत शदीद दर्द होता है, और ये कि यहाँ पर मैंने जेल वेल काफी लगाई है उससे भी बहुत। हेलो जी, हाँ जी, आपके घुटने में जो है जो दर्द है उसके लिए कोई आपने कोई जीपी के पास गए, कोई तहकीक कराई, कोई एक्सरे, कोई स्कैन वगैरह? मुझे कभी ये शिकायत पहले कभी नहीं थी, तो मैंने और मुझे ये कि मैं चल रहा हूँ नॉर्मल अब। अच्छा, व्हेन आई वॉक अ लॉट, जैसे मुझे ऑफिस जाना है आई टेक अ ट्यूब एंड मैं ऊपर नीचे उधर उधर हाथ दौड़ता हूँ, तो आई बिकम नॉर्मल। जब मैं घर आ जाता हूँ लेटता हूँ और जैसे फिर उठता हूँ तो उस घर के अंदर मुझे ये बहुत ट्रबल होती है, लेकिन इफ आई वॉक फास्ट, If I go up and down, it becomes normal. Number one, number two. मैं एज पूछ सकता हूँ जी, if you don't mind? My age is 64. तो डॉक्टर साहब बताएं जी, 64 years के हमारे ब्रदर हैं। जी जी. First time only. ऐसा कोई पहले कोई problem नहीं था। ठीक है। और number one, number two ये है कि सबसे बड़ा problem जो है, जब मैं लगा देता हूँ ये gel वगैरह, इससे माशाल्लाह फायदा तो होता है। अच्छा, लेकिन एक सबसे बड़ा क्रॉनिकल मुझे दर्द हो जब होता है जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, यानी इवन फॉर टू मिनट्स, यानी जस्ट सीट पे बैठ के उतर भी जाऊँ ना, दो मिनट भी ड्राइव करता हूँ तो मेरा शदीद पेन होता है। यानी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कि मैं सीट पे बैठता हूँ, वैसे ऑफिस में बैठूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस की सीट पे बैठने में, इसमें गाड़ी में बैठने में घुटना सूझ तो नहीं जाता? नहीं, सूझ तो नहीं गया बिल्कुल। हाँ, मेरा पैर सूझ गया था नीचे से। यू आर राइट, पैर सूझ गया था। हाँ, नीचे बिल्कुल जहाँ था अच्छा, वहाँ हल्का सा सूजन हो गया था पिछले हफ्ते, लेकिन इस हफ्ते माशाल्लाह से सूजन बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन गाड़ी जब चलाता हूँ मैं, जैसे अभी मैं गया, आई वॉज बिल्कुल नॉर्मल एकदम, बिल्कुल लगा था कि पेन है ही नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी गया जी, ठीक है, आप ऐसा करें कि आप लाइन पे रहिएगा, हम दो कॉलर्स और हैं हमारे पास, उनका भी लेके तो हम लोग इकट्ठा भी जवाब देंगे। प्लीज आप लाइन पे रहिएगा तो आपके घुटने के मामले में डॉक्टर साहब जवाब दें। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बोलिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो अर्ली स्टेज में जो है नी रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए, तो उसमें मुझे ये पूछना था कि अर्ली स्टेज या अर्ली एज कौन सी, मोस्टली जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो 50 प्लस पे या 45 से अबव स्टार्ट होता है, तो अक्सर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में डॉक्टर जो होते हैं वो मोस्टली यही एडवाइस करते हैं कि आप पेन किलर ले लें या फिर वो कैल्शियम रिप्लेसमेंट वगैरह, वो कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह देते हैं, तो उसमें आप ये बताएंगे, गाइड करेंगे किस एज में जो है वो इसकी ट्रीटमेंट नी रिप्लेसमेंट किस एज में ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है? जी ठीक है, आप लाइन पे रहिएगा, हम आपके जो पहले वो नी के जॉइंट का और इसका भी जो है तो एक और कॉलर से लाइन क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर तीनों के इकट्ठे जवाब देंगे। जी वालेकुम सलाम जी। मैं लता की बड़ा दर्द है, दोनों लता की जी, दोनों लता में दर्द है। जी जी जी, हाँ जी बोलो जी। बोलने में भी दर्द है। अच्छा, बाल को टूर नहीं होना, दर्द नहीं बजाना। ठीक है, थोड़ी उम्र कितनी है जी? उम्र हमारी 70 साल है। 70 साल है, तो ये कदों का प्रॉब्लम स्टार्ट होया था नुएला? लता ही दर्द है ते घुटने ही दर्द है जड़ी? ये दर्द घुटने दर्द कोड़ी। अच्छा, लता की दर्द है, पिंडियां की पीछे बुलड़ियां की दर्द है, लक्का दर्द है, लक्का की बड़ा दर्द है, लक्का ने ऑपरेशन ऐसे आए थे पहले 3 साल। अच्छा ठीक है, वो फिर ठीक रहा, मैं गड्डी शड्डी भी चलाना रहा, उन्होंने कोई 8-10 साल हो गए गड्डी छोड़ दी है, बड़ा डर था लगता है कि बुलड़ियां की तुर ही ना सकना, सुन तो नहीं हो जाता, बैलेंस भी ठीक नहीं रहा। अच्छा डॉक्टर साहब पूछ रहे ने दूसरा, जेडी लत्ता सुन तो नहीं हो जांदियां, लत्ता साउंड नहीं जांदियां? एक लत जेडी है सज्जी लत जेडी है खब्बी लत वाले पासे जा रही है। अच्छा, अच्छी जेडी मुड़ी वापस कर दी भाई, तो चलदिया हो को थोड़ा को बैलेंस तो नहीं खराब हो जाता, तवाजन जेड़ा है चलने बैलेंस खराब हो जाना। अच्छा ठीक, तुसी लाइन ते रहो, थोड़ा जवाब असी देने हां। तो डॉक्टर साहब ये तीन हमारे पास जो कॉलर हैं, अच्छा तो तीन कॉलर्स के हम लोग जवाब दे के फिर बाकी कॉलर्स भी हैं, तो फिर उनको भी जो है ना लाइन ले लेंगे। तो नेक्स्ट कॉलर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लाइन पे रहिएगा, हम ये इन तीन सवालों के जो है डॉक्टर साहब से सवाल पूछते हैं, जवाब लेके तो फिर आपसे रुजू करते हैं। तो हम जरा माजरत चाहते हैं कि अगर आप फौरन कॉल नहीं ले सकते, तो पहले जो साहब जो थे वो नीज का वो प्रॉब्लम जो था उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, वो नीज का हाँ, उनका ये कि मुझे लग रहा है कि इनको हो सकता है कि मेनिस्कल टेयर हो। ठीक है, वो मेनिस्कस जो है एक कार्टिलेज का हिस्सा होता है नी में,
तो जैसे कह रहे हैं कि शदीद दर्द होता है, ठीक है, तो उनसे ये भी पूछना था, पता लगाना था कि एक साइड नी पे दर्द हो रहा है, अक्सर जो इनसाइड होता है मीडियल मेनिस्कस जिसको हम कहते हैं वो डैमेज हो जाता है, तो उनको हो सकता है कि ये ऐसे है क्योंकि लगते हैं वो इज क्वाइट एक्टिव, चलते फिरते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सब कुछ, तो अगर ये ऐसे दर्द शुरू हो है, इनको मेनिस्कल टेयर हो सकता है, तो वो एमआरआई से पता चलता है, एमआरआई कराएंगे जी, उसके लिए मुमकिन है फिर उनको जो स्पेशल जो की होल सर्जरी है आर्थ्रोस्कोपी भी करना पड़े अगर सेटल ना हो, ठीक है जी। तो जो हमारे जो पहले कॉलर्स थे जिन्होंने नीज का इशू था, तो दूसरे कॉलर जो थे हमारे उसका सवाल जो हाँ, वो बीबी जो है उनका ये है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का माना कि हड्डी जो कमजोर हो जाती है, वो अंदर से खोखली हो जाती है, बिल्कुल, खास करके लेडीज जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं मेनोपॉज, तो वो उनमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो शी वो जो कैल्शियम देते हैं विटामिन डी वो That is for osteoporosis. वो अलहदा problem है. Osteoporosis हड्डी कमजोर हो जाना, खोखली हो जाना. Osteoarthritis जो है वो joint की problem है. ठीक है. तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि joint replacement होना चाहिए. ठीक है. Not for osteoporosis. ठीक है. तो वो महल उनकी थोड़ी सी confusion हो गई. उन्होंने ये भी पूछा था कि जो आपने जैसे पहले फरमाया शुरू में कि अगर कोई arthritis का जो problem तशखीस हो गया है और किसी orthopedic surgeon ने knee की रिप्लेसमेंट के बारे में आपको एडवाइस कर दिया है, तो उसमें डिले नहीं करना चाहिए, नहीं, ये भी एक सवाल था कि डिले करने से फिर क्या होगा, जो कि आप पहले शुरू में दे चुके हैं कि उससे फिर बाकी जो आसपास जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जब उस स्टेज तक आप पहुंच गए कि सर्जन आपको एडवाइस कर रहे हैं, उसका मतलब कि उन्होंने इंजेक्शन, फिजियो, सब चीजें जो है ना दूसरी वो ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, पेन किलर, उस हदूद से आप निकल गए, फिर नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सर्जरी, तो उस वक्त फिर सर्जन एडवाइज करता है कि आपको सर्जरी चाहिए, जाहिर है इट्स अ बिग ऑपरेशन, वो लोग फिर कहते हैं हो मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मगर उसको फिर ज़्यादा डिले नहीं कर, अगर आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो अगर 6 महीने 2 साल बाद कराना है तो अभी करा लें, क्योंकि रिकवरी वो भी क्विकर, तो एज का तो कोई इसमें लिमिट नहीं है ना, ये तो डिजीज पे डिपेंड करता है, इसमें एज तक कोई एज का छोटी हो बड़ी हो बहुत ज़्यादा हो, देखो वो आप 55 हो सकते हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपका ऑपरेशन अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, आप 75 हो सकते हैं आपको कोई वो बाकी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हेल्थ वाइज आप ठीक हैं मगर सिर्फ जॉइंट प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकली यू आर फिट, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो एज इज अ रिलेटिव थिंग, तो डॉक्टर साहब हमारा वक्फे में ज़्यादा देर नहीं है, तो ये जो लास्ट जो कॉलर जो थे हमारे, जो हमारी वो सिस्टर हतून थी, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप, ये बाकी जो कॉलर है वो लेग्स के बाद फिर उनसे लेग्स कॉल के, लेग्स का जो कह रहे थे ना, लेग पेन, मुझे लगता है कि अभी 70 इनके पहले भी ऑपरेशन हुए, तो ये जो वीकनेस बता रहे हैं ना, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर ये कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे बैलेंस का कह रहे हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट पर देखेगा, या एक हम कहते हैं स्पाइनोस्टेनोसिस जिसमें स्पाइन जो बहुत टाइट हो जाता है, उसमें इतना की हड्डी की जो वो जो आर्थराइटिस हो जाता है, वो प्रेशर पड़ती है वो जो स्पाइनल कोड होता है, तो उसकी वजह से फिर टांगें जो कमजोर हो जाती हैं, बैलेंस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो इन दोनों चीजों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको जीपी के पास वापस जाना पड़ेगा जाकर, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, पहले मैं कहूंगा न्यूरोलॉजिस्ट देखे कि वो दोनों चीजें पे एडवाइस कर सकते हैं, तो अगर फिर जरूरत पड़े तो फिर ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन। तो नाज़रीन हमारे साथ अब रहिएगा, अब ये वक्फा जो है अभी फिर आने वाला है, तो इस वक्फे के बाद हम लोग वापस आएंगे फाइनल सेशन के लिए, तो फिर आपके सवालों के जवाब देंगे, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारा जो फाइनल सेशन है, आपको याद करा दें कि आज की जो स्पेशल हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन कंसल्टेंट डॉक्टर तारक महमूद साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं, और आज का जो मेन हमारा जो मौजू है उसमें हम जोड़ों की और पट्ठों की बीमारियां, बैकएक की प्रॉब्लम, विप्लैश, कार्पेटल सिंड्रोम और ये जो इस तरह के मसाइल हैं इंजरीज़ के, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के, और उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके मामले में अगर कोई सवाल आपके पास हो तो ये लास्ट सेशन जो है मुश्किल से 20 मिनट लास्ट करेगा, तो आप को हम खुशामदीद कहते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। तो वक्फे में ऐसा था कि हमारे साथ एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया था, तो उनका सवाल जो था वो
इस प्रोग्राम के बारे में नहीं था, वो एक जनरल सवाल कर रहे थे एस्मे के बारे में कि उनका एस्मा था और इंडस्ट्रियल जो है उसमें इशू हो सकता है। तो अगर वो लाइन पे हैं तो प्लीज़ बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप वक्फे में बता रहे थे कि आपका जो है इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल इशू था और खांसी का आपका मसला था, एस्मे का था। चूंकि आज हमारी वो स्पेशलिटी नहीं है तो, लेकिन आप अपना जो है मसला बता दें और मैं यही कहूँगा कि फिर आपका उसको हम अगर जवाब ना दे सके तो यकीनन हम आपको किसी और प्रोग्राम में या उसके बाद प्रोग्राम के बाद आपसे रब्ता कम करने की कोशिश करेंगे। जी बोलिए। मेहरबानी, मुझे बस गाइडेंस चाहिए। मैं ये कह रहा था मुझे सख्त किस्म की खांसी आई थी और वीजिंग हुई थी। जी हाँ जी, ठीक है। और जीपी ने मुझे हॉस्पिटल भेजा ये कहते हुए कि मेरी खांसी और मेरी वीजिंग आम खांसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई आपके काम की नौयत की वजह से हो सकता है। अस्पताल वालों ने फुली इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने ये कंफर्म किया कि कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने किडनी टिश्यू लेना चाहा जो मैंने दे दिया। ठीक है जी, बायोप्सी आपकी हो गई। बायोप्सी होगी। बायोप्सी के बाद उन्होंने मुझे ये एडवाइस भी दी कि काम वालों से कहो कि मुझे काम के लिए क्लीनर वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, जो मैंने उनको कह दिया, लेकिन उनकी तरफ से भी जरा सुस्ती हो गई। अब हुआ ये कि मेरा जो कॉन्टेक्ट था, जिस जो केमिकल बाद में आइडेंटिफाई हुआ जी जी, उस केमिकल के साथ मेरा इनहेलेशनल और डर्मल कॉन्टेक्ट चलता रहा मजीद एक साल तक। ठीक है। इतने अरसे में मुझे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हो गया। ठीक है। स्किन रश हो गई और अक्यूट किडनी मालफंक्शन हुआ। ठीक है। और नाक से खून भी निकला। ठीक है। तो अब हॉस्पिटल ने मुझे लेटर दिया कि मेरा मेरी जो खांसी है वो ऑक्यूपेशनल यानी इंडस्ट्रियल अस्थमा है। जी ठीक है। ठीक है, तो काम वालों ने जॉब टर्मिनेट कर दी। अब बात यह है कि मेरी राय में मेरा वो जो अक्यूट सॉरी वो कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, तो उसके बाद जो है हम लोग इस बारे में जवाब जो है उसको देंगे। तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज। जी आपकी आवाज नहीं हमें आ रही, मुमकिन है कि आपके वो आपका टीवी जो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो, तो प्लीज आपको तो उसका वॉल्यूम कम करें ताकि मैं आपकी आवाज आए। हेलो। जी हाँ जी, प्लीज बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, 3 साल पहले मेरे नी का की होल सर्जरी हुई है, तो वो अभी तक उसमें तकलीफ होते, जो मेरे पीछे के मसल है मुझे बहुत प्रॉब्लम देते हैं। मैं जब बैठ के उठती हूँ मुझसे चला नहीं जाता, ऐसा लगता है मेरी टांगों में जान नहीं है, खड़े होने में काफी मुझे तकलीफ होती है। आप कुछ बता सकते हैं? जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी बेन, ये ऑपरेशन 3 साल पहले किस वजह से हुआ था? ये की होल सर्जरी है नी पेन की वजह से। नी पेन हो रहा था, तो उन्होंने जब की होल सर्जरी की तो उन्होंने क्या क्या कहा कि क्या मिला था उनको? उन्होंने ये कहा कि आपके मसल टिश्यूज डैमेज हो गए थे। मसल? अच्छा, तो अंदर जॉइंट का उन्होंने क्या कहा, आर्थराइटिस था या क्या था? आर्थराइटिस। इसमें ये कि वो डॉक्टर साहब, वो जो ये जो आर्थराइटिस के लिए की होल सर्जरी की जाती है, पहले बहुत होती थी, मगर वो हमने देखा है कि इसका फ़ायदा बहुत कम होता है फॉर आर्थराइटिस। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि दर्द मेरा कम नहीं हुआ तो अभी मुझे भी अभी भी तकलीफ है, तो इसका माना कि ये एडवांस हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेज शायद आपको कराना पड़े जॉइंट का। मैंने आपका केस नहीं देखा डिटेल में, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आर्थराइटिस है बढ़ गए, तो नेक्स्ट स्टेज आपको कराना पड़े शायद वो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज। वालेकुम सलाम। कोई 18-20 साल बड़ी तकलीफ है, लगता है कि लत्तों की भूलने दर्द है और बैलेंस नहीं रहना, टूटने से बैलेंस जरा सजी लत है खब्बे पता चिकनी है तो ठंडा लग जाना। हाँ जी, नहीं वो भाई आपको बताया था कि वो न्यूरोलॉजिस्ट आपको जीपी के पास जाकर तो न्यूरोलॉजिस्ट नो दिखाना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हेलो जी, प्लीज बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I wanted to speak to you about some advice. Basically, since 2010, I've had raised inflammatory markers. My ESR and CRP have been quite high. My GP referred me to see a rheumatologist, and basically they ruled out arthritis. They said it wasn't arthritis, and they couldn't really pinpoint what it was. So
In 2014, I went to Abu Dhabi and I had some tests done out there. And they did a full body scan with contrast and diagnosed me with seronegative arthritis. They gave me medication for that. I then came back to the UK, and the medication that they'd given me, the sulfasine, was quite strong, and it was actually making me feel a lot worse than I was. So I got a second opinion from a different rheumatologist here, and what they're saying is that they're a little bit confused that with the original scan that I had done in Abu Dhabi, and they're saying that they don't think it is seronegative arthritis. So I'm just a bit confused because my symptoms are excruciating pains in the back of my ankles, in my wrists, extreme fatigue. I'm totally tired all the time. And also, like I said, my inflammatory markers have been raised since 2010. You know, they've not gone down at all. So I just wanted to, you know, gain a little bit more advice as to what, where, you know, who I should go to, or okay, if there's anything else that kind of... Okay. We will appreciate if you stay on the line. Do you understand Urdu? जी मैं उर्दू में भी बात करती हूँ. ठीक है, तो आपको है कि हम दो तीन और कॉलर्स हैं, उनसे कॉल्स लेके तो मैं नोट कर रहा हूँ, तो इस सवाल का भी जवाब देते हैं जी. तो प्लीज स्टे ऑन द लाइन. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. नेक्स्ट कॉलर प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बोलिए. जी जी डॉक्टर साहब, मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है. मैं 2009 से 8 से मुझे ये मेरी नी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा. ठीक है. बहुत अर्थराइटिक्स ही डॉक्टर ने कहा है, बहुत नास्ती है. वो चेकअप किया और 2009 में मेरा उन्होंने डॉक्टर ने दिया था ऑपरेशन के लिए, फिर खुद ही कैंसिल कर दिया. कौन सा ऑपरेशन? रिप्लेसमेंट के लिए? रिप्लेसमेंट का. जी जी. अच्छा. ये गैप है तो फिर उन्होंने खुद ही मुझे मना किया. डॉक्टर जो सर्जन थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यंग हो तो इसमें गारंटी भी नहीं है, तो अभी आप क्यों मेरो. मगर स्टिल बाय डे बहुत वर्स होता जा रहा है, तो दर्द होती है बहुत ज्यादा. मगर मैं मसाज करती हूँ ऑयल से, तो उससे बेटर होता है. लेसे जैसे मैं कभी कुछ चीज खाती हूँ, लेफ्ट जो मेरा लेग है वो बहुत तकलीफ में है इस वक्त. जब मैं खड़ी होती हूँ तो स्टिफ हो जाती है और मुझे पकड़ के उसको ऐसे बैंड करना पड़ता है और मसाज करनी पड़ती है, और बहुत विंड और गैस जैसे निकलता है. तो फिर मेरी रिलैक्स करती हूँ, फिर मेरी लेग ऐसे ठीक फील करती है. मगर जब बहुत शार्प पेन आती है साइड से, नी की साइड पे बहुत सूजी हुई है जगह दोनों साइडों से, तो बहुत तकलीफ होती है. और एक लेग मेरी जो राइट में पहले बहुत ज्यादा थी वो ठीक है, तो जो लेफ्ट हो गया उसमें ज्यादा हो गया है. और मेरी एक लेग जैसे ऐसे लग रहा है छोटी है हो रही है, और एक बड़ी. मेरा बैलेंस बिल्कुल ठीक नहीं रहा. अब चलती हूँ तो झटका लगेगा जैसे मैं गिर जाऊंगी, और दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है. डॉक्टर साहब को सवाल पूछने से, बहन आपकी रफ उम्र क्या है आपकी? 52 है मेरी. ठीक है. आप ऐसा करें कि लाइन पे रहिएगा, तो हम एक और कॉलर से लाइन लेके तो फिर तीनों सवालों के जवाब इकट्ठे देंगे. नेक्स्ट कॉलर प्लीज, प्रॉब्ली द लास्ट वन. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ. जी जी. मेरा नाम राशिद महमूद है. जी जी. एक्चुअली ना मुझे स्टमक प्रॉब्लम है तकरीबन 3 महीने से, पेन है स्टमक में. आपके मेदे में? यस, मैदे में दर्द है, और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन ही खत्म हो रही. ठीक है. तो मैं डॉक्टर के पास भी 5-6 मरतबा गया हूँ, उन्होंने मेरा स्टूल टेस्ट भी लिया है. जी जी. उसके अलावा मेरी इन्होंने 14 अक्टूबर को एंडोस्कोपी भी की है. ठीक है जी. वो कहते हैं तेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन मुझे स्टिल दर्द है पेट में और कॉन्स्टिपेशन ही खत्म हो रही. ठीक है. जलन भी हो रही है अंदर में. जी ठीक है जी. आप लाइन पर रहिएगा, इस बारे में हम जो है गुफ्तगू करते हैं. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल जो था, हमारे पास 3 सवाल हैं, और हमारे पास टाइम जो है मुश्किल से कोई 8-9 मिनट है. ठीक. एक था सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस था जी. दूसरा था वो नी का इशू था, और रिप्लेसमेंट थी वो 52-year-old जो सिस्टर थी कि उनको एडवाइस दी गई है, और वो काफ़ी तकलीफ में है. और लास्ट जो है जिनके सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हैं, लेकिन स्टमक और कॉन्स्टिपेशन का इशू है. तो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस जो है जी, उन सिस्टरों को आप क्या एडवाइस देंगे? नहीं, वो अभी जैसे कह रहे हैं कि वो रूमेटोलॉजिस्ट को देख रहे हैं. ठीक है. तो दे विल हैव एडवाइज्ड व्हाट इट इज. ठीक है. या कुछ वो आगे क्या कह रहे हैं. ठीक है. क्योंकि बेस्ट, वो तो बेस्ट प्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने सब ब्लड टेस्ट भी किए. ठीक है. वो जो टेस्ट किया था उन्होंने अबू धाबी में, इन अबू धाबी इन दीस प्लेसेस हम देखते हैं जब पेशेंट आते हैं वहाँ से, दे टेंड टू ओवर इन्वेस्टिगेट, दे यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी भी हो जाती है कुछ टेस्ट से.
मगर इसमें यह कि इफ़ इट्स नॉट सीरो नेगेटिव, इफ़ इट्स अ सीरो नेगेटिव या नी सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, ये मसल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल सॉफ्ट टिश्यू के, जैसे इनका ASR और CRP इज़ हाई, तो वो कभी ऐसे होता है रूमेटोलॉजिस्ट विल आस्क द ऑर्थोपेडिक कॉलीग्स हमारे लिए बायोप्सी करें, अगर डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कभी वो कहते हैं कि जॉइंट का लाइनिंग का बायोप्सी करें या मसल का या सॉफ्ट टिश्यू का, ताकि हमें मजीद ज़्यादा पता चल जाए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दैट्स अनदर रूट टू टेक। तो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस में ये बात तो बिल्कुल एक जो है वो कन्फर्म्ड है कि उसके जो जॉइंट की एनाटॉमी जो है, उसको जो स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सीरो नेगेटिव का यही माना है कि एक ब्लड टेस्ट होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। ठीक है, तो उसमें वो मार्कर्स नहीं है, वो मार्कर्स नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं उनके रेज्ड है। हाँ, मगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज्ड है, मगर वो जो पॉजिटिव मार्कर्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस के NTCCP और ऐसे टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव है, मगर यू कैन हैव सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। ठीक है जी, तो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस का जो प्रोग्नोसिस है एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव वन, वो कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ, उसमें ये कि काफ़ी बीमारियाँ उस सीरो नेगेटिव में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे वो पहले एक पेशेंट आई थी अल्सट्रिव कोलाइटिस वाले, ठीक है, उन लोगों में सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस यूजली होता है। तो इट डिपेंड्स व्हाट द अंडरलाइंग कॉज इज, किस वजह से ये हो रहा है, मगर ट्रीटमेंट तो उसकी वही होती है कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज। वो बता रही थी कि सल्फासैलाजिन पे शुरू किया था, उसमें उससे फ़ायदा भी नहीं हुआ था, तो ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसमें स्टमक अपसेट भी हो जाता है। स्टमक अपसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो दूसरा सवाल था, जो सिस्टर थी जो 52 इयर्स बताई उन्हें एज अपनी, कि उनको जो है प्रॉब्लम है और नी रिप्लेसमेंट के बारे में कहा गया है, तो हम सवाल पूछना, मैं उनसे बल्कि नई मौका मिला कि वो पूछें कि उन्होंने रिप्लेसमेंट जो है वो क्यों नहीं कराई, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, वो पहले बता रही थी कि 2008 और 9 में मुझे उन्होंने डायग्नोज किया था, तो एडवाइस किया था, तो इसलिए मैंने एज का पूछा, यानी कि उस वक्त शी वॉज इन अ मिड 40s। ठीक है, तो जाहिर है वो इट्स वेरी यंग, अगर मेरा भी पेशेंट कुछ हो इन द मिड 40s हु नीड्स अ जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैं कोशिश करूंगा जितना डिले हो सके ठीक है होना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है एक समझें कि ऐसे मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है, इसके 15 या 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम होती है गारंटी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर रीरिप्लेस करना पड़ता है, दोबारा रिविजन सर्जरी करनी पड़ती है, व्हिच इज मोर डिफिकल्ट देन। ठीक है, तो अभी 52 है, जैसे वो बता रहे हैं कि मेरे लेग डिफरेंस हो रहा है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं कहूंगा दी आई जस्ट टाइम इज कम। ठीक है, तो आप ज्यादा डिले ना करें इसको। ठीक है, मेरी राय में जी। ठीक है, तो जो तीसरे और जो लास्ट कॉलर थे, उन्होंने अपने स्टमक का इशू बताया और उन्होंने कहा कि जो है उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, और उन्होंने ये भी हमारी इस मामले में हेल्प कर दी कि उनके बाकी जो एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ है वो नॉर्मल है। डॉक्टर साहब से कि मुझे तकरीबन 10 साल पहले राइट हैंड में कुछ कार्पल टनल का मसला हुआ था। जी जी। मुझे काफी स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब दोबारा से मुझे कुछ सिम्टम वापस आ रहे हैं, तो मेरा तो यही ख्याल था कि ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं होगा, तो इसके बारे में आप मुझे क्या करना चाहिए जी, प्लीज बताएं। बेन, पहले बताइए आपको डायबिटीज या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं, थायरॉयड प्रॉब्लम्स? नहीं जी, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है जी। नहीं। ठीक है, तो काम आप करते हैं? हाँ जी। कौन सा काम? मैं एक जी प्राइमरी स्कूल में काम करती हूँ। ओके, एज अ टीचर और डेस्क बेस्ड? नहीं जी, एज टीचिंग असिस्टेंट समझ लें। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों को कीबोर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल करने में वो रेपिटेशन जो फ्लेक्शन होती है रिस्क की, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पहला जो सवाल है कि ये दोबारा हो सकती है, मोर देन 90% ऑफ द टाइम एक बार ऑपरेशन होता है कार्पल टनल का, वो दोबारा नहीं ज़रूरत पड़ती, मगर 10-10% में ठीक है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी ये होता है कि बाद में बंदे को डायबिटीज या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं है वो पहले नहीं थी, इनको नहीं, मगर जनरली स्पीकिंग वो हो सकती है। तो हाँ, दोबारा हो सकती है कार्पल टनल। इसमें आगे क्या करना पड़ेगा, आपको नर्व कंडक्शन स्टडीज जो होती हैं वो कराने पड़ेंगी, ताकि ये वाकई कार्पल टनल है, क्योंकि ये भी हो सकता है कभी कभार वो नेक से प्रॉब्लम है, नर्व इज ट्रैप्ड इन द नेक जो हाथ में महसूस हो रही है। ठीक है, तो इसलिए वो नर्व कंडक्शन स्टडीज आर क्रिटिकल, ताकि पता चले एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज।
तो ये कि दोबारा जीपी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, तो उससे और सिम्टम्स अगर वापस आ गए हैं तो वो जो कुछ एरिया में अभी वो जीपीज हैव एक्सेस टू नर्व कंडक्शन स्टडीज, या दूसरे अदर एरियाज में वो स्पेशलिस्ट को रेफर करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जो कॉलर ने भी कॉल किया तो उनसे हम यही एडवाइस करेंगे कि अपने जीपी को कॉन्टेक्ट करें और नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के बारे में पता किया जाए कहीं और नर्व तो ट्रैप नहीं है। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम में चंद मिनट रह गए हैं तो मैं इसको सिर्फ ये है कि समराइज़ कर देता हूँ कि आज हमने हमारे काफ़ी सवाल जो थे वो नी जॉइंट के बारे में थे, घुटने के बारे में, फिर हिप रिप्लेसमेंट के बारे में थे, विप्लैश के बारे में थे, कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये आप लोग मुस्तफीज हुए होंगे। तो जाते जाते डॉक्टर साहब से चंद एक ये सवाल पूछ लें कि हमारे कम्युनिटी में ये दो सवाल हैं, तो मैं आपको चूंकि टाइम की कमी है तो मैं उनको इकट्ठा कर देता हूं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। एक ये बताएं कि वाइटामिन डी का बड़ा इशू है हमारे एशियंस में, ये डायग्नोस्टिक है जी लोगों में वो कम होती है, क्यों कम होती है और क्या करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो नई सर्जिकल टेक्निक जो बता रहे हैं, ये जो की होल सर्जरी है, ये क्या कन्वेंशनल सर्जरी से बेहतर है कि इनमें ज़्यादा नुकसान आते हैं और प्रॉब्लम पड़ते हैं। ठीक, विटामिन डी का जनरल जो है ये हमारे वैसे बेसिकली स्किन कलर की वजह से है। ठीक है, हम जो जिस इलाकों में हम वे ओरिजिनेट फ्रॉम उधर सूरज ज़्यादा होता है, उनकी छुआएँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इधर बहुत कम है, इसकी वजह से हमें विटामिन डी डिफिशेंसी हो जाती है कि मेजर सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ फ्रॉम द सन। ठीक है जी, ये अल्लाह ताला ने जो ऐसे हमारे लिए बनाया हुआ है इंसान के लिए कि जहाँ सूरज ज़्यादा इतना गाढ़ा रंग है हमारा, तो इसका हमारे रंग के लोगों को उतर रहना चाहिए। चलो ये तो अलग डिस्कशन है, मगर ये है कि सप्लीमेंटेशन देन इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अभी रिसेंटली हमने रिकग्नाइज किया है, पहले ऐसे होता था लोग जाते थे अपने मुल्क में कहते मैं तो उधर बिल्कुल ठीक रहा हूँ, इधर वो हमें पता चला भी उनको विटामिन डी बूस्ट मिल रही थी और उससे भी काफी जिसम में थकावट हो जाती है, पेन हो जाती है, एक्स हो जाती है और समझ नहीं आती है क्या है, मसल फटीग, वैसे मूड भी जो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, इसमें बहुत फायदे होते हैं विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना लाजिम है कि बंदा सिम्टम्स के बेसिस पे विटामिन डी सप्लीमेंट ले ले? ब्लड टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। तो लिहाजा जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये एक्स एंड पेन्स कहाँ से हैं, क्यों है, अगर वो एशियन है, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से, तो वो जो लोग हैं वो यकीनन जाके अपना ब्लड टेस्ट करा लें। तो इस हद तक कि अभी आई मीन इन बर्मिंघम इन द मिडलैंड्स वो फॉर पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए वो मल्टीविटामिन जनरली एडवाइज उन्होंने दी ये सब जीपीज को। ठीक है, जो एशियन बच्चे हैं उनको मल्टीविटामिन पे लगा दें तो वो विटामिन डी डिफिशेंसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये जो लास्ट दूसरा जो सवाल था कि ये जो नई टेक्निक्स हैं, क्या इनसे ये तो नहीं है कि जी आप की होल कर रहे हैं तो पूरी जगह वो ऑपरेट नहीं हुआ तो फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा और मरीज को दोबारा जो है आके ऑपरेट करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी या की होल सर्जरी है इसमें आपको एनाटमी जो है मोर क्लियरली नजर आती है। ठीक है, जो ओपन सर्जरी होती है यू हैव अ स्मॉल डार्क होल, उसके नीचे आप बीच में आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, इधर एवरीथिंग इज मैग्निफाइड क्योंकि आप वो जो कैमरा देख रहे हैं वो बड़ी स्क्रीन में आपको सब नजर आता है, तो द एनाटॉमी जो आपको नजर आ रही है इज मोर डिटेल्ड, तो उससे फायदे बहुत है, दर्द बहुत कम होता है, लिहाजा से आप ओपन सर्जरी करें। डॉक्टर साहब, ये भी सुना कि ये जो आजकल जो हमारी रीढ़ की हड्डी की बैक के प्रॉब्लम बहुत है और नेक के प्रॉब्लम भी हैं, तो उसमें वो कहते हैं जो डिस्क को पूरा बाहर निकाल के रिप्लेस कर देंगे, ये क्या चीज है? डिस्क रिप्लेसमेंट एक्चुअली इन द लोअर बैक इज नॉट एडवाइजेबल, वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वेट बेयरिंग है। हाँ, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हुए तो वो एक्चुअली यूके में तो खास करके नोबडी डज इट नाउ रियली। ठीक है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में इन जर्मनी देर आर वन और टू सेंटर्स डूइंग इट, मगर वो भी अभी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, नेक में डिस्क रिप्लेसमेंट इज ए मोर कॉमन प्रोसीजर, वो उधर हो रहा है, मगर उसमें ये होता है कि कुछ सर्जन जो फ्यूज कर देते हैं, यानी कि दो लेवल्स को फ्यूज कर देते हैं, वो बिल्कुल हिले ना, तो दूसरे जो है वो डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं, मगर इट डिपेंड्स ऑन द सर्जन्स प्रेफरेंस। ठीक है, तो लेकिन नेक में मैंने ये पढ़ा सुना देखा कि उसमें सक्सेस ज्यादा है, कामयाबी कि उसमें वो वेट बेयरिंग नहीं है। हाँ, ये भी इतना एक ज्यादा बाहर नहीं होता, इतनी स्ट्रेस नहीं होती उधर फोर्स जी। तो चूंकि एक दो मिनट ही रह गया तो जो लास्ट जो सवाल पूछना चाह रहा था कि ये जोड़ों के लिए लोग कुछ मेडिकल सप्लीमेंट्स लेते हैं, ग्लूकोसामीन है, कॉन्ड्राइटिन है, वो मार्केट में ढेरों के हिसाब से मिलते हैं, हर शॉप से मिल जाते हैं, तो उसके बारे में बताएं उसका कोई फायदा है या नुकसान है? ये ऐसे शुरू हुआ था कि 20 साल पहले कुछ स्टडी आई थी जी जिसमें उसने बताया कि देयर इज अ वीक लिंक
यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट होती है ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्रोइटिन के साथ, ठीक है। तो इस वक्त उसके बाद ये एक्सप्लोजन हुआ कि ग्लूकोजामिन खाएं खाएं, बाद में जो स्टडीज आई हैं दे हैव नॉट कंफर्म दैट, वो कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। मगर ये भी मैं लोग कुछ देखता हूँ, ख़ास करके जो कॉड लिवर ऑयल पूरी ज़िंदगी ले रहे हैं तो उनके जोड़ों में कुछ दर्द नहीं, तो वो कहते हैं मुझे बहुत फ़ायदा है। सो आई वुड से जनरली मैं लोगों को कहता हूँ इफ़ यू टेक कॉड लिवर ऑयल उसमें काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, एंड एज लॉन्ग एज इट डजंट कॉज यू एनी स्टमक अपसेट या कुछ तो वो लेते रहें ऑन अ लो डोज, ठीक है। मगर ग्लूकोजामिन इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। तो जो चूँकि अभी शायद चंद मिनट हैं तो और हमारे कम्युनिटी में प्रॉब्लम देखा है हमने कि जिसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में जो एक जी, है जी, जी। साथ नेक में भी एक हो रही होती है, तो ये जो फ्रोजन शोल्डर है या मुंजमंद कंधा है जो फ्रीज हो गया है वो मूव नहीं कर रहा, ये क्या चीज़ है? ये इसमें ये जो मेजर एसोसिएशन जो है इज डायबिटीज। अच्छा, जो डायबिटिक पेशेंट होगा जिसको फ्रोजन शोल्डर का माना कि हर जिस तरफ भी आप मूवमेंट करेंगे वो बहुत कम हो जाती है बनिस्बत दूसरे शोल्डर के लिहाज से। सो विदाउट आर्थराइटिस, यानी कि उसमें आर्थराइटिस नहीं, मगर सॉफ्ट टिश्यू जो है ना वो थिक हो जाते हैं, बहुत इन्फ्लेम हो जाते हैं, इसकी वजह से वो हरकत जो है बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसोसिएशन जो है डायबिटीज़ है, ठीक। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको 3 या 4 गुना ज़्यादा चांसेस हैं फ्रोजन शोल्डर के बनस्बत के वो जिसको डायबिटीज़ नहीं, तो ठीक है। तो उसके लिए वो ये है कि अप्रोच करें अपने जीपी को और फिजियोथेरेपी वगैरह जो कराएं, फिजियो तो उसका इंजेक्शन भी एक होता है। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे जो प्रोग्राम है अपने जो है अख्ताम को पहुँच रहा है। तो हम नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन लोगों ने हमें सवालात किए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके सवालात अगर मुमकिन है पूरे नहीं हो सके उनसे माजरत चाहेंगे, और अगले प्रोग्राम में जो है हमारे बाकी जो प्रेजेंटर हैं डॉक्टर हिना वो वापस आ जाएंगी। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए, हम आपके बहुत मशहूर हैं। तो नाज़रीन ये प्रोग्राम देखते रहिए हर वीक संडे को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।